हमारे पिछले वीडियो में हमने एक्सेल में डेबुक को तैयार करना बताया था। आज के वीडियो में हम डेबुक के साथ इस डैशबोर्ड को ऐड करेंगे, जिसके द्वारा यूजर डेबुक में रिसीप्ट और पेमेंट की एंट्री ऑटोमेटिकली कर सकता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डैशबोर्ड कैसे काम करेगा। यहाँ एंट्री करने के बाद अगर एंट्री रिसीप्ट की है तो ये रिसीप्ट वाली बटन पर क्लिक करेंगे, और पेमेंट की एंट्री है तो ये पेमेंट वाली बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इन बटन्स पर क्लिक करेंगे तो डेटा उस रिलेवेंट शीट में जाकर सेव हो जाएगा। अगर रिसीप्ट की एंट्री है तो रिसीप्ट वाली शीट में जाकर सेव हो जाएगा, और पेमेंट की एंट्री है तो पेमेंट वाली शीट में जाकर सेव हो जाएगा। यहां से आप रिलेवेंट शीट में माइग्रेट कर सकते हैं। रिसीप्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो रिसीप्ट वाली शीट पर चले जाएंगे। क्लिक करते हैं यहां पर, ये देखिए जैसे हमने रिसीप्ट वाले बटन पर क्लिक किया तो ये रिसीप्ट वाली शीट पर आ गए हैं। यहां देखिए लास्ट एंट्री है 2 अप्रैल 2020, अमाउंट है 2000। रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इसी तरह से यहां पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करके पेमेंट वाली शीट पर चले जाएंगे। क्लिक करते हैं यहां पर, ये देखिए जैसे ही हमने पेमेंट वाले बटन पर क्लिक किया तो यहां पेमेंट वाली शीट पर आ गए हैं। यहां जो लास्ट एंट्री है वो 2 अप्रैल 2020 में ₹1000 पेट्रोल एक्सपेंसेस। यहां रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। एंट्री कर लेते हैं कोई, यहां पर डेट ले लेंगे 3 अप्रैल 2020। गोडाउन रेंट ले लिया है पर्टिकुलर में। यहां पेमेंट मोड के लिए हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है जिसमें से पेमेंट मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहां सिलेक्ट करते हैं कैश। यहां अमाउंट टाइप करेंगे 10,000 और यहां पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, क्योंकि ये एंट्री हमने रिसीप्ट की है, इतना पैसा हमने रिसीव किया है गोडाउन रेंट के लिए, तो हम यहां रिसीप्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं यहां पर, ये देखिए जैसे ही हमने रिसीप्ट वाले बटन पर क्लिक किया तो डेटा रिसीप्ट वाली शीट में जाकर सेव हो गया है। चेक कर लेते हैं यहां से रिसीप्ट वाले बटन पर क्लिक करके, ये देखिए जो एंट्री हमने वहां पर की थी वो यहां पर आकर सेव हो गई है। गोडाउन रेंट कैश में 10,000। ये डेबुक को कैसे क्रिएट करना है ये हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। यहां रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब एक एंट्री पेमेंट की करते हैं, सेम डेट लेंगे, पर्टिकुलर पेमेंट मोड में सिलेक्ट करते हैं कैश, अमाउंट 1,000 और यहां पर डिस्क्रिप्शन टाइप कर देंगे और ये पेमेंट वाली बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए जैसे ही हमने पेमेंट वाली बटन पर क्लिक किया तो डेटा पेमेंट वाली शीट में जाकर सेव हो गया है। यहां पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करके पेमेंट वाली शीट पर आ जाएंगे। ये देखिए जो हमने लास्ट एंट्री की थी वो यहां पर दिख रही है। लोडिंग चार्जेस अमाउंट था 1,000 और कैश ये हमने डिस्क्रिप्शन टाइप किया था। यहां रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डेबुक में चेक करते हैं, यहां डेबुक पर क्लिक करके, ये देखिए 3 अप्रैल को रिसीव अमाउंट है 10,000 और पेमेंट अमाउंट है 1,000 और यहां पर क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहां पर आप कोई भी पर्टिकुलर डेट एंटर करके आप उस दिन का स्टेटस जान सकते हैं, उस दिन कितना अमाउंट रिसीव हुआ और कितना अमाउंट पे किया और क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा। डेट एंटर कर लेते हैं यहां पर कोई भी, हम ले लेंगे 3 अप्रैल ले लेते हैं और एंटर करते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने डेट को एंटर किया तो उस दिन का पूरा स्टेटस आपके सामने आ गया है, रिसीव अमाउंट कितना था, पेमेंट अमाउंट कितना था और क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा। यहां डेबुक वाली शीट पर जाकर क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये देखिए 3 तारीख को जो था 10,000 रिसीव अमाउंट था और 1,000 पेड अमाउंट था और क्लोजिंग बैलेंस रहा ₹21,500। या रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। या रिसीप्ट वाली शीट पर चलते हैं एक बार। यहां पर देखिए यदि कोई सेल बाय मिस्टेक ब्लैंक रह जाती है तो वो सेल हाईलाइट हो जाएगी, उसके लिए हमने यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया है, इसके बारे में भी हम वीडियो में बताएंगे। ये देखिए जैसे ही हम किसी सेल की वैल्यू को डिलीट करेंगे
तो वो सेल हाईलाइट हो जाएगी, यानी जैसे ही सेल ब्लैंक होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगी। ये देखिए, इससे क्या होगा, एंट्री करते समय यदि बाय मिस्टेक कोई सेल ब्लैंक रह जाएगी तो उसका पता चल जाएगा। यहां रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो आइए सीखते हैं इस डैशबोर्ड को क्रिएट करना। इस डेबुक को हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट करना बताया था। इसमें तीन शीट हैं, पहली रिसीप्ट के लिए जहां पर रिसीव अमाउंट की एंट्री होगी, दूसरी शीट है पेमेंट के लिए जिसमें पे किए गए अमाउंट का विवरण होगा, और तीसरी शीट है डेबुक जहां पर डेट वाइज रिसीव अमाउंट और पेमेंट अमाउंट का टोटल होगा और क्लोजिंग बैलेंस होगा, और यहां पर डेट एंटर करके किसी भी पर्टिकुलर डेट का स्टेटस जाना जा सकता है। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। क्योंकि हमें इस डेबुक के साथ डैशबोर्ड ऐड करना है तो हम एक नई शीट ओपन कर लेते हैं। यहां से देखिए, एक नई शीट ओपन हो गई है। इस शीट को उठाकर यहां से इस तरह से यहां रख लेंगे, फर्स्ट शीट में रीनेम करेंगे इसको डैशबोर्ड। रिसीप्ट वाली शीट पर जाएंगे और यहां से इन हेडिंग्स को कंट्रोल सी द्वारा कॉपी कर लेंगे। डैशबोर्ड वाली शीट पर आ जाएंगे और यहां 10th रो में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे, यहां वैल्यूज पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, वहां से कोई भी फॉर्मेटिंग या कोई भी फॉर्मूला कॉपी नहीं होगा। और ये ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे, ट्रांसपोज करने से डेटा रो टू कॉलम पेस्ट हो जाएगा। ओके कर देंगे तो ये देखिए वो फॉर्मेट यहां पर आ गया है। यहां रिसीप्ट मोड की जगह हम यहां कर देंगे पेमेंट मोड, सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे और यहां से फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे। फॉन्ट साइज रखेंगे हम 20, यहां डबल क्लिक कर देंगे और ये आगे के कॉलम को हम बड़ा कर देंगे। यहां से इन सेल को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर पर जाएंगे, ऑल बॉर्डर्स कर देंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे इन सेल्स को, फॉन्ट साइज कर देंगे 18 कर देंगे इसका, और बोल्ड कर देंगे और सेंटर कर देंगे। अब बैकग्राउंड कलर करेंगे, उसके लिए हम ये शीट को सिलेक्ट करेंगे, यहां फिल पर जाएंगे और यहां से ये रेड कलर ले लेंगे। ये देखिए कलर आ गया है यहां पर। इन सेल को सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट कलर कर देंगे व्हाइट, और इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर कर देंगे नो फिल। यहां पर हमें कोई कलर नहीं करना है। ये एंट्री फॉर्म तैयार हो गया है। यहां इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहां से ये शेप ले लेंगे पैरेललोग्राम, और यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। इसमें टाइप करेंगे डे, फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे इसका, बोल्ड करेंगे, सेंटर कर देंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप आउटलाइन पर जाएंगे और यहां से नो आउटलाइन करेंगे, शेप फिल पर जाएंगे और यहां से ये लाइट ब्लू कलर ले लेंगे, शेप इफेक्ट पर जाएंगे और ये प्रीसेट पर क्लिक करेंगे और यहां से ये प्रीसेट 1 पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए इस तरह का इफेक्ट आ गया है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, शेप को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने के लिए। कंट्रोल डी प्रेस किया तो एक और कॉपी यहां पर तैयार हो गई है। इस कॉपी को हम इसके साथ इस तरह लगा देंगे और टेक्स्ट को एडिट कर देंगे। यहां लिखेंगे हम बुक। यहां पर आप अपनी कंपनी या फर्म का लोगो भी लगा सकते हैं। डेबुक वाली शीट पर जाएंगे और यहां से ये सर्च वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी द्वारा कॉपी कर लेंगे। वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे।
कंट्रोल वी के द्वारा कॉलम्स को एडजस्ट कर देंगे। यहां पर क्लिक करेंगे, फिल पर जाएंगे और यहां से कोई लाइट कलर ले लेंगे। ये इन सेल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करेंगे, फिल पर जाएंगे, फिल इफेक्ट पर जाएंगे और यहां पर ये डार्क कलर लेंगे और नीचे में लाइट कलर लेंगे इसी कलर का। ओके करेंगे और ओके कर देंगे तो देखिए इस तरह का इफेक्ट यहां पर आ जाएगा। सिलेक्ट कर लेंगे सबको और सेंटर कर देंगे। डेट को हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल। फॉन्ट करेंगे ब्लैक ऑटोमेटिक। इंसर्ट पर जाएंगे, इलस्ट्रेशन पर जाएंगे और यहां से शेप्स पर जाएंगे और ये राउंडेड रेक्टेंगल शेप ले लेंगे। यहां पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। शेप आउटलाइन पर जाएंगे और नो आउटलाइन कर देंगे। शेप फिल पर जाएंगे और ये कलर ले लेंगे। टाइप करेंगे रिसीप्ट। फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, कंट्रोल बी के द्वारा बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट कलर ऑटोमेटिक कर देंगे, सेंटर कर देंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप इफेक्ट पर जाएंगे, प्रीसेट पर जाएंगे और ये प्रीसेट वन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए रिसीप्ट के लिए बटन तैयार हो गया है। चिप पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी द्वारा एक और कॉपी तैयार कर लेंगे। तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल डी, यहां पर लगा लेंगे, इसके टेक्स्ट को एडिट कर देंगे। यहां पर लिखेंगे पेमेंट। दोनों शेप्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पेमेंट वाली शेप को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप फिल पर जाएंगे और यहां से ये कलर ले लेंगे। इंसर्ट पर जाएंगे, फिर से इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर जाएंगे और यहां से ये राउंडेड रेक्टेंगल शेप ले लेंगे फिर से और यहां पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन करेंगे, शेप फिल पर जाकर ये कलर ले लेंगे रिसीप्ट के लिए और यहां पर टाइप करेंगे रिसीप्ट। फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, बोल्ड करेंगे, फॉन्ट कलर करेंगे ऑटोमेटिक, सेंटर कर देंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप इफेक्ट पर जाएंगे, ग्लो पर जाएंगे और यहां से ये ग्लो 5 पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। इस शेप को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी के द्वारा एक और कॉपी तैयार कर लेंगे और इसको यहां पर लगा देंगे। फिर से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ये देखिए एक और कॉपी यहां पर तैयार हो गई है। तीनों शेप्स को सेलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा सा इधर कर देंगे। यहां पर दूसरी शेप को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप फिल पर जाएंगे और यहां से ये कलर ले लेंगे। इसी तरह से तीसरी वाली शेप को सेलेक्ट करेंगे, शेप फिल पर जाएंगे और यहां से ये कलर ले लेंगे ग्रीन। रीनेम कर देंगे इसको, टेक्स्ट को एडिट करके यहां पर लिखेंगे पेमेंट, यहां पर लिखेंगे डेबू। ये देखिए डैशबोर्ड का पूरा मॉड्यूल तैयार हो गया है। रिसीप्ट वाली शीट पर जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन पर जाएंगे, शेप्स पर जाएंगे और यहां से राउंडेड रेक्टेंगल शेप इंसर्ट कर लेंगे और यहां पर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप फिल पर जाएंगे और यहां से ये कलर ले लेंगे। शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन कर देंगे। शेप इफेक्ट पर जाएंगे, प्रीसेट पर जाएंगे और ये प्रीसेट 5 पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए इस तरह का इफेक्ट यहां पर आ जाएगा शेप में और यहां पर लिखेंगे रिटर्न टू डैशबोर्ड। फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, होम पर जाकर कंट्रोल बी द्वारा बोल्ड कर देंगे, सेंटर कर देंगे।
ये देखिए डैशबोर्ड पर वापस आने के लिए शेप तैयार हो गई है। शेप को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी कर लेंगे और पेमेंट वाली शीट पर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसको कंट्रोल वी के द्वारा। ये देखिए यहाँ पर ये शेप आ गई है। डेबुक वाली शीट पर जाएंगे और यहाँ पर भी कंट्रोल वी द्वारा इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए सेम शेप यहाँ पर भी आ गई है। डैशबोर्ड वाली शीट पर चलते हैं। अब हम इन शेप्स को रिलेवेंट शीट के साथ लिंक करेंगे। रिसिप्ट वाली शीट पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहां से लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे एमएस ऑफिस 2010 में लिंक के स्थान पर हाइपरलिंक का ऑप्शन है, तो हम यहां लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इस शेप को हमें लिंक करना है रिसिप्ट वाली शीट के साथ, तो हम ये रिसिप्ट वाली शीट को सेलेक्ट करेंगे और यहां से ओके कर देंगे। अभी देखिए जैसे ही हम इस शेप पर क्लिक करेंगे तो हम रिसिप्ट वाली शीट पर चले जाएंगे। ये देखिए हम ये रिसिप्ट वाली शीट पर आ गए हैं। अब हम यहां पर ये वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लिंक करेंगे। ये वाली शेप को हमें लिंक करना है डैशबोर्ड के साथ, जिससे इस शेप पर क्लिक करके वापस डैशबोर्ड पर आ जाएं। तो हम यहां डैशबोर्ड वाली शीट को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब यहां पर क्लिक करके आप डैशबोर्ड पर आ सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से पेमेंट वाली शीट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, पेमेंट वाली शीट को सिलेक्ट करेंगे और यहां से ओके करेंगे। इसी तरह से डेबुक वाली शीट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, डेबुक वाली शीट को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। पेमेंट वाली शीट पर जाते हैं और यहां पर इस शेप को लिंक करेंगे डैशबोर्ड से, लिंक पर क्लिक करेंगे और ये डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे, वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इसी तरह से अब डेबुक पर जाएंगे और यहां जो शेप है इसको लिंक करेंगे, राइट क्लिक करके डैशबोर्ड वाली शीट को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब इस शेप को सिलेक्ट करके वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब ये देखिए आप जिस भी शीट पर क्लिक करेंगे आप उसी शीट पर आ जाएंगे। रिटर्न टू डैशबोर्ड वाली शीट पर क्लिक करके वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब ये एंट्री फॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए हम दो छोटे छोटे मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। उससे पहले हम यहां पर एक एंट्री कर लेंगे, 3/4/2020 डेट ले लिया। पहले रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। यहाँ पेमेंट मोड के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। इसके लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे, डेटा पर जाएंगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे। ये अलाउ में लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और जो भी हमारे पेमेंट मोड हैं उनको यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ पर हमारे पेमेंट मोड है कैश कॉमा स्पेस कार्ड कॉमा स्पेस RTGS कॉमा स्पेस चेक, यहां से ओके कर देंगे। तो देखिए पेमेंट मोड के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। यही सेम पेमेंट मोड हमने डेबुक को क्रिएट करते समय लिए थे। यहां अमाउंट डालेंगे 10,000 और यहां पर डिस्क्रिप्शन, यहां पर एक एंट्री हमने कर ली है। अब डेवलपर टैब पर जाएंगे। ध्यान रहे डेवलपर टैब बाय डिफॉल्ट हिडन होता है, इसको इनेबल करने के लिए फाइल पर जाना होता है और यहां ऑप्शंस पर जाना होता है। ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ये कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करेंगे और यहां राइट हैंड विंडो में डेवलपर के सामने दिए गए चेकबॉक्स को चेक करेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही चेक किया हुआ है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। इससे डेवलपर टैब इनेबल हो जाएगा। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हमें जाना होगा डेवलपर पर। डेवलपर पर जाएंगे और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे और यहां पर मैक्रो को कोई नाम दे देंगे। हम इसको नाम दे देंगे रिसीप्ट और ओके कर देंगे। अब मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। जो भी क्लिक और कमांड आप देंगे वो मैक्रो रिकॉर्ड कर लेगा।
अब यहां से इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी कर लेंगे और रिसीप्ट वाली शीट पर आ जाएंगे यहां पर, और ये डेट वाली सेल में यहां पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हम ये लास्ट सेल में आ जाएंगे। आपको क्लिक कहीं भी नहीं करना है अभी। अब डेवलपर टैब पर जाकर यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑन कर देंगे, एक बार क्लिक कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। डाउन एरो प्रेस करेंगे और यहां पर कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी को प्रेस करेंगे, इससे क्या होगा, बेस्ट स्पेशल का ऑप्शन खुल जाएगा। और यहां पर वैल्यूज पर क्लिक करेंगे, वैल्यूज इसलिए क्योंकि वहां से सिर्फ वैल्यू ही कॉपी हो, डेटा वैलिडेशन या वहां की फॉर्मेटिंग कॉपी ना हो। और यहां ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे, ट्रांसपोज से क्या होगा, जो डेटा आपका कॉलम्स में है वो यहां पर रोज में आ जाएगा। ओके करेंगे यहां से, ये देखिए डेटा यहां पर पेस्ट हो गया है। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे, होम पर जाएंगे और यहां से ऑल बॉर्डर कर देंगे, डेट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहां से ये शॉर्ट डेट पर क्लिक कर देंगे तो ये डेट में आ जाएगा। इन दोनों सेल्स को भी सिलेक्ट कर लेंगे और ऑल बॉर्डर कर देंगे, कर्सर को ये लास्ट सेल में ले आएंगे, डेवलपर टैब पर जाकर यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑफ कर देंगे, डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहां से कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके ये डेटा को डिलीट कर देंगे और डेट वाली शीट में कर्सर को रख देंगे और डेवलपर टैब पर जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे, इससे क्या होगा, मैक्रो रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगा। अभी रिसिप्ट वाली शेप को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां असाइन मैक्रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, ये शेप उस मैक्रो के लिए असाइन हो जाएगी जो अभी हमने रिकॉर्ड किया था। तो असाइन मैक्रो पर क्लिक करेंगे, अभी देखिए जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया था वो यहां पर दिख रहा है रिसिप्ट के नाम से, इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब एक एंट्री पेमेंट की कर लेंगे और पेमेंट के लिए मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, सेम डेट लेंगे, विड्रॉल एक्सपेंसेस, पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट 1000, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डेवलपर टैब पर जाकर रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक कर देंगे, यहां मैक्रो को कोई नाम दे देंगे, ध्यान रहे नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए अन्यथा सेव नहीं हो पाएगा, तो हम यहां नाम दे देंगे पेमेंट, क्योंकि हम ये जो मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो पेमेंट के लिए कर रहे हैं। ओके करेंगे, अब ये मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। आप यहां से देख सकते हैं ये स्टॉप रिकॉर्डिंग यहां पर लिखा हुआ आ गया है। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी कर लेंगे, पेमेंट वाली शीट पर जाएंगे, डेट वाली सेल पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करेंगे, देखिए कर्सर यहां लास्ट सेल में आ जाएगा। उसके बाद डेवलपर टैब पर जाकर यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑन कर देंगे। अब डाउन एरो प्रेस करेंगे और यहां पर कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करेंगे, वैल्यूज पर क्लिक करेंगे और ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, होम पर जाकर ऑल बॉर्डर कर देंगे, डेट वाली सेल को सिलेक्ट करके यहां पर शॉर्ट डेट पर क्लिक कर देंगे, इन सेल्स को भी सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देंगे, कर्सर को यहां पर रखेंगे और डेवलपर टैब पर जाकर यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑफ कर देंगे, डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके ये डेटा को डिलीट कर देंगे और ये डेट वाली सेल में कर्सर को रख देंगे, डेवलपर टैब पर जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। अब मैक्रो रिकॉर्ड होना बंद हो गया है। पेमेंट वाली शिप को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पर क्लिक करेंगे और यहां से ये पेमेंट वाले मैक्रो को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये शेप पेमेंट वाले मैक्रो के लिए असाइन हो गई है। अब यहां पर जो भी एंट्री आप करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिलेवेंट शीट में जाकर सेव हो जाएगी। एंट्री कर लेते हैं कि यहां पर डेट ले लेंगे 3 अप्रैल 2020, पर्टिकुलर्स ले लेंगे, शॉप रेंट ले लेंगे, पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे, चेक, अमाउंट लिखेंगे 5000 और यहां पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे।
अब जैसे ही हम ये रिसीप्ट वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो डेटा रिसीप्ट वाली शीट में जाकर सेव हो जाएगा। क्लिक करते हैं यहां पर। ये देखिए जैसे ही हमने रिसीप्ट वाली बटन पर क्लिक किया तो डेटा रिसीप्ट वाली शीट में चला गया है। रिसीप्ट वाली शीट पर जाते हैं यहां से क्लिक करके। ये देखिए जो हमने लास्ट एंट्री की है, शॉप रेंट चेक 5000, शॉप रेंट रिसीप्ट फ्रॉम मिस्टर एक्स। यहां रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब एक एंट्री हम कर लेते हैं पेमेंट के लिए, सेम डेट में, व्हीकल रेंट कैश में, अमाउंट 1000, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे व्हीकल रेंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर वाई। पेमेंट वाली शेप पर क्लिक करेंगे। ये देखिए जैसे ही हमने पेमेंट वाली शेप पर क्लिक किया तो डेटा पेमेंट वाली शीट में जाकर सेव हो गया है। यहाँ पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए पेमेंट वाली शीट पर आ जाएंगे। ये देखिए जो हमने लास्ट एंट्री की थी, व्हीकल रेंट कैश 1000, व्हीकल रेंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई, वो एंट्री यहां पर आकर सेव हो गई है और साथ में फॉर्मेटिंग भी होते जा रही है। रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहां डेटा को डेट वाइज सर्च करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वीलुकअप फॉर्मूले का। उससे पहले हम ये डेबुक वाली शीट पर चलते हैं। अब देखेंगे हमने इस डेटा शीट को अपने पिछले वीडियो में एक नाम दिया था, यहां से आप देख सकते हैं डेटा टेबल। क्लिक करते हैं इस पर। ये देखिए जैसे ही हमने डेटा टेबल पर क्लिक किया तो ये डेटा शीट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई है। इतने एरिया को हमने नाम दिया था डेटा टेबल। अब डैशबोर्ड पर जो हम वीलुकअप फॉर्मूला लगाएंगे उसमें टेबल अरे के लिए हम पूरा डेटा शीट सिलेक्ट नहीं करेंगे, उसकी जगह पर हम ये नाम दे देंगे डेटा टेबल। रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहां लगाते हैं हम वीलुकअप फॉर्मूला। इक्वल प्रेस करेंगे, वीलुकअप टाइप करेंगे। ये देखिए वीलुकअप फॉर्मूला यहां पर आ गया है, डबल क्लिक कर देंगे। पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए हम ये डेट वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे और F4 प्रेस करके फिक्स कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल अरे, यानी एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से आप इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं। क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं डेबुक वाली डेटा शीट से, जिसको हमने एक नाम दे दिया है डेटा टेबल, तो यहां पर हम उस शीट को सिलेक्ट ना करके उस टेबल का नाम टाइप कर देंगे। हमने नाम दिया है डेटा टेबल। ये देखिए जैसे ही हमने नाम टाइप किया है यहां पर ये आ गया है, कॉमा लगा देंगे। अब देखिए टेबल अरे भी हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये देखना है कि डेटा टेबल में से हम सर्च क्या कर रहे हैं। हमें सर्च करना है रिसीप्ट अमाउंट, और रिसीप्ट अमाउंट है हमारा तीसरे कॉलम में, तो हम यहां पर 3 टाइप कर देंगे और कॉमा लगा देंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहां पर ये एरर आ गया है। एरर इसलिए आया है क्योंकि यहां पर हमने कोई डेट इसको नहीं दी अभी। ये एरर ना आए इसके लिए हम वीलुकअप फॉर्मूले से पहले इफ एरर फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो फॉर्मूला को विजिबल करने के लिए हम यहां प्रेस करते हैं F2। तो ये देखिए फॉर्मूला विजिबल हो गया है। अब हम यहां वीलुकअप से पहले इफ एरर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इफ हमने टाइप किया तो देखिए इफ एरर फंक्शन आ गया है, यहां से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब लास्ट में कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे, फिर से डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब एरर के स्थान पर सेल ब्लैंक दिखेगी। अब यहां से इस सेल को कंट्रोल सी द्वारा कॉपी कर लेंगे और बाकी दो सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी द्वारा फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। बाकी सेल्स में भी फॉर्मूला पेस्ट हो गया है। अब यहां पर कोई डेट ले लेंगे, यहां पर हम डेट ले लेते हैं 2 अप्रैल 2020, एंटर करेंगे। तो ये देखिए रिसीप्ट अमाउंट आ गया है 22000, पेमेंट अमाउंट भी 22000 दिख रहा है और क्लोजिंग बैलेंस भी 22000। वो इसलिए क्योंकि जो रिसीप्ट अमाउंट का कॉलम नंबर है वो है 3rd, और यहां पर भी कॉलम नंबर 3rd ही लिया है उसने, और यहां पर भी कॉलम नंबर 3rd, तो हमें जरूरत है यहां पर कॉलम नंबर चेंज करने की। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहां से कॉलम नंबर 3rd की जगह 4 कर देंगे, क्योंकि पेमेंट अमाउंट जो है डेटा शीट में वो 4th कॉलम में है, एंटर कर देंगे। तो देखिए यहां पर
3000 आ गया है पेमेंट अमाउंट। और ये क्लोजिंग बैलेंस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहां पर करेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर 5, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 5 नंबर कॉलम में, और एंटर कर देंगे। ये देखिए 2 अप्रैल की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आ गई है। अब जो भी डेट हम यहां एंटर करेंगे उसी डेट का स्टेटस यहां पर दिखेगा। डेबुक वाली शीट में एक बार चेक कर लेते हैं। 2 अप्रैल को ये देखिए 22,000 रिसीव अमाउंट है और 3,000 पेमेंट अमाउंट है और 12,500 क्लोजिंग बैलेंस है। रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। कोई अन्य डेट लेंगे, यहां पर 3 अप्रैल ले लेते हैं, तो यहां 2 की जगह हम कर देंगे 3, एंटर करेंगे तो ये देखिए 3 तारीख का स्टेटस यहां पर आ गया है। रिसिप्ट वाली शीट पर जाएंगे, यहां पर हम इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे। यहां से हाईलाइट सेल्स पर जाएंगे, इक्वल टू पर क्लिक करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे इक्वल डबल कोटेशन स्टार्ट और डबल कोटेशन क्लोज। 2 बार डबल कोटेशन का इस्तेमाल जो करते हैं वो करते हैं ब्लैंक के लिए और यहां से ओके कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी बाय मिस्टेक कोई सेल ब्लैंक रह जाएगी, यानी किसी भी सेल में यदि डेटा नहीं होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगी। ये देखिए जैसे हमने यहां पर डिलीट किया तो ये सेल हाईलाइट हो गई है। अब यहां पर जैसे हम टाइप कर देते हैं तो ये हाईलाइट नहीं रहेगी। ये देखिए नॉर्मल हो गई है सेल। पेमेंट वाली शीट पर चलते हैं, यहां पर भी इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स पर क्लिक करेंगे, इक्वल टू पर क्लिक करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे इक्वल डबल कोटेशन स्टार्ट डबल कोटेशन क्लोज, ओके कर देंगे। अब कोई भी सेल यदि खाली होगी ब्लैंक होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगी। या रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। ध्यान रहे मैक्रो रिकॉर्डेड फाइल को आप नॉर्मल एक्सेल फाइल की तरह सेव नहीं कर सकते, अन्यथा मैक्रो काम नहीं करेगा। इसे सेव करना होता है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में। इसे सेव करने के लिए यहां फाइल पर जाएंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे, लोकेशन दे देंगे और यहां पर सेव एज टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। सिलेक्ट करते हैं इसको और यहां से सेव कर देंगे। अब फाइल को आप रीओपन भी करेंगे तो मैक्रो काम करते रहेगा। इस तरह से बड़ी आसानी से डेबुक रिपोर्ट के साथ डैशबोर्ड को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।